हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम सुबह सुबह अभी तालाब की तरफ आए हैं। तो हमारे पास गांव में एक तालाब है, तो उधर ही हम आए हैं तो सुबह सुबह ब्रश करने के लिए। तो कल हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए आज सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। कल वीडियो मेरे पास ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो आज सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कल हम इसी तालाब में मछली पकड़ रहा था सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। तो इधर पानी का हालत देख रहे हो कितना गंदी हो गया, और इधर हम मछली पकड़े थे कल, हमको बहुत मछली मिले थे। इधर तालाब देख रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इधर से हम कल शाम से सुबह तक सिर्फ मछली ही पकड़ रहा था, तो बहुत बड़ा तालाब है देख रहे हैं ना। इधर देख रहे हो कितना दूर तक, हम उस पर जाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर देख रहे हो ना, ये मोटर है, ये पानी इधर से ज़मीन में देने के लिए। और इधर से तालाब को देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो उतना खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि अभी तो पानी ख़त्म हो गया। जब पानी रहता है इतना सारी इसमें भर जाता है, तब बहुत ही खूबसूरत लगता है। इधर से देख रहे हो, इधर स्विमिंग पूल की तरह है, कभी कभी इधर हम नहा लेते हैं। और इधर देख रहे हो, आप सभी लोग देख रहे हो, हम अभी जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। और पीछे देख रहे हैं ना, ये बच्चे आ रहे हैं, साले भोसड़ी वाले आ रहे हैं। और हम जा रहे हैं जमीन के इधर से, वो आगे जो जा रहे हैं उसके पास एक बस्ता है, तो बड़ा वाला रहे जा रहे हैं। और आगे दो बंदा जा रहे हैं, और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, और पीछे भी बंदा आ रहे हैं। तो इधर को इसको देख रहे हैं ना, ये चप्पड़गंजों किधर आ रहा है पता नहीं, उधर से भी आ रहे हैं। तो हम अभी ज़मीन में खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो उधर एक तालाब है बड़ा वाला, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते रहिए लग तक, इसके बाद पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा। तो देखते रहो, हम जा रहे हैं तालाब में, उधर हम मछली पकड़ेंगे। कितना मछली पकड़ेंगे आप लोगों को दिखाऊंगा, पता नहीं कितना लगेगा, तो उसके लिए आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा। आप सभी लोग देख रहे हो, हम तो बीचों बीच पहुँच गया ज़मीन के। ये तीनों बंदा, हम दोनों इधर पीछे पीछे जा रहे हैं, और दो तीन बंदा आ रहे हैं। तो हम लोगों को ज़मीन में जा रहे हैं, तो उधर एक तालाब है, तालाब पर हम पकड़ने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा, वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। हमारा तो धूम में फट रहा है, क्या फट रहा है वो तो आप लोगों को पता चल रहा है। देख रहे हो ना, इतना धूप में हम जा रहे तो कुछ भी नहीं लिया, आज ज़मीन में जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे, और भी मज़ा मिलने वाले है आप लोगों को। और कितना सारी मछली पकड़ूंगा वो तो बाद में पता चलेगा, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। हम लोग अभी इधर पहुंच गए हो, इधर देख रहे हो सभी लोग बैठा है। तो हम एक बार इधर मछली पकड़ लिया, लेकिन अभी तक पानी में उतरा नहीं हम। ये तालाब में हम आज मछली पकड़ेंगे, देख रहे हो कितना दूर दूर तक, उतना दूर में, और भी इधर इतना दूर में, कितना पानी पता नहीं। तो इधर हम मछली पकड़ेंगे, हम सभी लोग इधर आ गए, बैठ गए सभी लोग। अब देख रहे हो, ये चारों बंदा इधर बैठा है, और दो बंदा आ रही है। तो उधर भी हम दिखा देते हैं, वो दोनों लोग अभी तक आया नहीं, इधर से आ रहे, वो तीनों बंदा आ रही है। तो तुम सभी लोग देख रहे हो, हम अभी मछली पकड़ेंगे। और हम टाइट शर्ट उतार दिया क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, तो इसमें हमको सिर में ले लिया था, ऐसा करके छुपा दिया था हमारा सिर। तो अभी हम इधर मछली पकड़ेंगे, पता नहीं कितना मछली हम लोग पकड़ पाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, और उस लोगों को आने दो, उस लोगों को आने के बाद हम मछली पकड़ेंगे। अभी तो हम इधर बैठा है, और आपको तो तालाब देख रहे हैं, और इधर देख रहे हैं ये पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए। तो
हेलो गाइस, आप लोगों को क्या बताऊं। तो हमारा तो हालत ख़राब हो गई। शाम को 9 बजे वो जो हम ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद अभी 4 बज रहे, 4:30 बज रहे, तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। वो सुबह से हम मछली पकड़ा था, तो हम अभी अभी घर पहुंच गया, तो अभी हम नहाएंगे, नहाने के बाद खाना खाएंगे, तो इसलिए तो हमारा तो फटने जैसा हालत हो गया। तो आप लोग बने रहिए, कितना मछली पकड़ा वो भी दिखाऊँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।